अब जो न्यू लाइफ जो चल रही है लोगों की, आज का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें लोगों का जो लाइफस्टाइल है बड़ा सेडेंट्री टाइप हो गया है। फिजिकल एक्टिविटी अब हो नहीं पाती है, सारा काम मशीनों से हो गया है, बैठे बैठे सारा काम कर रहे हैं, योगा कसरत करते नहीं हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, तो उससे उनकी हड्डियाँ मांसपेशियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। तो आज भी जैसे हम कैंप में अभी देख रहे हैं, हड्डियों की जाँच कर रहे हैं, मोस्टली 90% से ज़्यादा लोगों के जितने अभी तक टेस्ट होके आए हैं सबकी हड्डियाँ कमज़ोर आ रही हैं। तो ये क्या है कि वो खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं और खाने पीने में जो न्यूट्रिशनल डाइट है उसको फॉलो नहीं करते हैं, जो बेसिकली जितनी रिक्वायरमेंट है वो नहीं लेते हैं, और कुछ हेल्थ सप्लीमेंट जैसे चाहिए होते हैं वो भी वो रूटीन में नहीं लेते हैं, और ना ही सैर करते हैं और ना ही कसरत वगैरह करते हैं। तो उससे क्या दिखते हैं, जोड़ों की समस्याएँ जैसे गर्दन में कमर में दर्द उनको रूटीन में होते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो परेशान होते रहते हैं और प्रायर अपना इलाज कराते नहीं हैं जाँच करा के। तो ये कैंप का मकसद यही रहता है हमारा टाइम टू टाइम लगा के, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, ये महंगा टेस्ट है फ्री में हम लगा रहे हैं, तो ताकि उसको जांच करा के अपना पहले से हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो उसका इलाज करा रहे, और अगर नियर कमज़ोर होने के तो उसका पहले इलाज करा के अपने जोड़ों की हड्डियों की जो समस्याएं हैं उनसे बच सके, और उनको जो दिक्कतें आती हैं अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी में उसको आप वो हल कर सके। तो हम बोन मास डेंसिटी टेस्ट बोलते हैं, इससे हम बोन की स्ट्रेंथ का पता लगाते हैं कि आपकी बोन कितनी मजबूत है। कई बार क्या होता है कि जिसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं वो कितनी भी ऊंचाई से भी कूद जाता है तो उसकी हड्डी जल्दी से चटकती नहीं है, और कईयों की हड्डियाँ पापड़ जैसी हो जाती हैं, वो हल्का सा ठोकर लगते गिरता है तो कहते हैं फ्रैक्चर हो गया। तो इस स्ट्रेंथ टेस्ट से ही पता लगता है कि आपकी हड्डियाँ कितनी मजबूत है। अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत है तो आपको गिरोगे चोट लगती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, अदरवाइज़ क्या है कि आप हल्का सा चटक जाती हैं हड्डियाँ, थोड़ा सा ठोकर लगते ही फ्रैक्चर के लिए ज़्यादा वो प्रोन हो जाते हैं, कि उनको फ्रैक्चर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। वैसे अमूमन इस टेस्ट को कराएं तो ये 1500 रुपये का टेस्ट होता है, है ना, बोन मास डेंसिटी टेस्ट बोलते हैं इसको, 1500 रुपये का टेस्ट होता है। हम रूटीन में कैंप लगा के इसको फ्री में सर्विस देते हैं लोगों को, और उनको उनको खाने पीने का, कसरत का, क्या दवाइयाँ उनको लेनी चाहिए वो भी उनको फ्री में सारा सलाह बताते हैं। अभी कम से कम 150 तक के लोगों का हम देख चुके हैं, ठीक है, और उसमें से 150 में से समझ लो कि 10-15 ही ऐसे आए हैं जिनका नियर नॉर्मल आया, ऑलमोस्ट सबकी उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं। तो सबको मेरे हिसाब से रूटीन में अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, कसरत करनी चाहिए, जो दवाइयां बता रहे हैं वो रूटीन में लेते रहें, ताकि ये जो जोड़ों की औरों की समस्याएं हैं उनकी ख़त्म हो सके।